राजेंद्र, रणधीर का कुछ पता लगा? हाँ। कहाँ है वो? ऐसी जगह जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। उस बेशर्म ने हमारे दुश्मन नटवर भाई के घर पनाह ली। क्या कह रहे हो तुम? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था पिताजी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से रणधीर और उस कुलक्षणी औरत को नटवर भाई की कार में बैठे देखा है। अगर लोगों को पता चल गया कि रणधीर ने हमारे जाने दुश्मन के घर में पनाह ली है तो लोग थूकेंगे हमारे नाम पर। हेलो, विक्रम सिंह बोल रहा हूं। क्या हुआ पिताजी? किसका फोन था? उसी नटवर का। कह रहा था तुम्हारे बेटे और बहू के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्हें बाजार ले जाकर कपड़े दिलवा कर लाया हूं मैं। नहीं, मैं ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं। सुधा, क्या हुआ? ठाकुर साहब आइए। एक लड़की कैसे जिंदगी में आ गई? सब तमीज भूल गए? बाबूजी नहीं कह सकते? एक बार गलती की थी, मैं अपने बाबूजी के पास गया था, लेकिन वहां मुझे ठाकुर विक्रम सिंह मिले थे। आज तुम्हारे पास ठाकुर विक्रम सिंह नहीं, तुम्हारे बाबूजी आए। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर बाबूजी आते तो बाहें फैला कर आते। मेरी बाहें तो आज भी तुम्हारे लिए फैली हुई हैं। इस लड़की को इसके घर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। आओ मेरे बच्चे। शक्ल तो बाबूजी की है, लेकिन शब्द ठाकुर विक्रम सिंह के। तुम समझने की कोशिश करो रणधीर, ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। देख बेटा, इस शहर में हमारी एक पोजीशन है, रुतबा है, मान सम्मान है। वो सब मुझे नहीं चाहिए ठाकुर साहब, मुझे मेरी सुधा चाहिए बस। गलती कर रहे हो रणधीर। अपने परिवार की शान और शौकत, धन दौलत सब कुछ गंवा बैठोगे, वो भी इस दो कौड़ी की लड़की की वजह से। बाबूजी, सुधा मेरी पत्नी है और इसके बारे में आपने एक शब्द भी गलत कहा तो मुझे मजबूर होकर आपको यहां से बेइज्जत करके निकालना पड़ेगा। तो बात यहां तक पहुंच गई? आपका इस वक्त यहां से चले जाना बेहतर होगा।